आज आपके लिए मैं बिल्कुल अलग तरह का अरबी मसाले की रेसिपी लाई हूँ। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और बेल आइकॉन को दबाएं। सबसे पहले हमने अरबी को अच्छे से धोकर साफ़ कर लिया है और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से गुलाई में पतले पतले, ज़्यादा पतले नहीं, मीडियम साइज़ के काट दिए हैं। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। मसाले डालने के लिए सबसे पहले हम डालेंगे थोड़ा सा नमक। हम इसमें स्वाद के अनुसार थोड़ा सा नमक मिला देंगे। अब डालेंगे हम इसमें थोड़ी सी हल्दी पाउडर और डालेंगे हम हल्का सा मिर्च पाउडर। इसमें हम मिक्स करेंगे एक टीस्पून ऑयल। ऑयल डालने से क्या होता है कि हमने जो मसाले डाले हैं वो अच्छे से ये पकड़ लेगा। अब इसे अच्छे से वापस से मिक्स करें। हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे शैलो फ्राई करेंगे। पैन में हम एक टेबलस्पून ऑयल ले लेंगे। अब इसमें हम हमारी तैयार की हुई अरबी मिला देंगे। मीडियम आंच पे हम इसे चलाते रहेंगे बीच बीच में, ताकि नीचे से चिपके ना, और इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। ये हमने कम से कम 5 से 8 मिनट तक इसको फ्राई कर लिया है। अब आप देख सकते हैं कि दोनों ही तरफ ऑलमोस्ट पक गया है। हमें अरबी को 3/4 पकाना है, पूरा पूरा नहीं पकाना। जैसे ही अरबी 3/4 पक जाएगी हम इसे निकाल लेंगे। तो अभी ऑलमोस्ट तैयार है, तब हम इसे निकाल लेते हैं। अब हम पैन में जो हमारा एक्स्ट्रा तेल है उसी को यूज़ करेंगे। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा। इसी के साथ ही हम डालेंगे 1/2 चम्मच अजवाइन, थोड़ी सी हींग, 1 चिमटी हींग। अब हम डालेंगे इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। एक मिनट के लिए सॉटे करने के बाद इसमें हम डालेंगे 1 कसा हुआ अनियन, यानी कि प्याज को मैंने कस के ले लिया, कद्दूकस किया है। अब इसे हम अच्छे से मिला दें। थोड़ा सा इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल दें और इसे अच्छे से चलाएं। अब हमें हमारा जो अनियन है अच्छे से पकाना है, फ्राई करना है। 5 मिनट के लिए इसे हम ढक देंगे। प्याज हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1/4 चम्मच हल्दी, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब इसे अच्छे से फ्राई करें। मसालों को हमने 1 मिनट तक सॉटे कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे कद्दूकस किया हुआ 1 टमाटर। अब हमें टमाटर को तब तक पकाना है जब तक कि मसाला जो है वो कढ़ाई छोड़ने न लग जाए और हमारा तेल ऊपर ना आ जाए। इसे हम ढक के 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। टमाटर हमारे अच्छे से फ्राई हो गए। आप देख सकते हैं चारों तरफ से ऑयल जो है, तेल निकल गया है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा खटास के लिए अमचूर। हमने ऑलरेडी इसमें टमाटर डाला है, इसलिए बिल्कुल थोड़ी सी चिमटी भर अमचूर डालेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप पानी। पानी डाल के हम इसे बराबर चलाते रहेंगे। हल्का सा पानी डाल के बाद डालने से क्या होता है कि एकदम से ग्रेवी बिल्कुल स्मूथ हो जाती है। आप देख सकते हैं, देखिए एकदम से ये स्मूथ हो चुकी है। तो इसको थोड़ा सा और ज़्यादा नहीं, 2 से 3 मिनट तक हम इसको फ्राई करेंगे। देखिए अब तली पे फिर से तेल आ चुका है हमारा। तो अब हम इसमें पानी डालेंगे। अब पानी आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उतना ही डालें। तब मैं इसमें अभी 1 बाउल पानी डाल रही हूँ। पानी डालने के बाद आप डाल दीजिए थोड़ी सी कसूरी मेथी। तो जैसे ही इसमें उबाल आने लगे हम इसमें हमारे फ्राई किए हुए अरबी के टुकड़े डाल दें। हमारी ग्रेवी ऑलमोस्ट तैयार हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे हमारी अरबी। इसे अच्छे से मिक्स करें। अब 2 मिनट के लिए इसे हम ढक देंगे।
हमारा अरबी करी बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इसे थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल के गार्निश कर देंगे। इसे एक बार बना के ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है।